बुलंदखंड में दिवारी की अपनी अलग ही पहचान है। रविवार को क्षेत्र के माटा गांव में दिवारी प्रतियोगिता के आयोजन में 12 टीमों ने ऐसी छटा बिखेरी, ऐसे ऐसे करतब दिखाए कि हर कोई देख दंग रह गया। मेजबान माटा गांव की दिवारी टीम समेत भुजोली, गरोती, भुजरक, जसईपुर, खोंडा, चिरहुटा, तंद्रोली, पलहरी, सिंघोली, बम्बिया, नरेनी आदि 12 गांव की दीवारी टीमें शामिल हुई। सभी टीमों का प्रदर्शन इतना शानदार रहा, ऐसे करतब दिखाए कि सभी टीमों को सम्मान रूप से विजेता घोषित करते हुए सभी टीमों को पुरस्कार दिए गए। सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष बलवान सिंह और पूर्व ब्लॉक प्रमुख वरुण यादव ने दीवारी टीमों को पुरस्कार सौंपे। इस दौरान जौहरपुर प्रधान धर्मेंद्र सिंह परमार, भुजरक प्रधान अरुण कुमार छापर, प्रधान जोहरिया आज मौजूद रहे। बांदा से प्रवंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज ये कार्यक्रम रखा है, किस देश में कैसा कार्यक्रम रखा है, देखिए ये हमारे पूर्वजों का और सनातन से, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की परंपरा डाली हुई है और इस परंपरा को तब से लेकर के अब तक हमारे हिंदुस्तान के लोग इस हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे बुजुर्गों की जो एक सोच रही कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा बेटा, हमारा बेटी नौजवान रहे, स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छे कार्यक्रमों में भाग ले, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला का प्रदर्शन है जिसके तहत हमारे पूरे देश में इसको दीपावली के समय में महीने भर कम से कम बहुत भारी अपने दिल के आत्मा को साफ करके एक दूसरे का भाईचारा निभाते हुए आपस की बहिन्नोस्ता को ख़त्म करता है, हमारा सामाजिकता का एक सूत्र में पिरोने का बांधने का काम करता है और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बुजुर्गों की धरोहर को, हम अपने बुजुर्गों की दी हुई विरासत को कैसे सुरक्षित रखें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे नौजवान में ये एक परंपरा है और ये एक एकता का प्रतीक है जिसको कायम रखने के लिए हमारे नौजवानों को, हमारे सभी लोग क्षेत्र के, जनपद के, देश के और प्रदेश के लोग इसको बखूबी आज तक बराबर जो है इस परंपरा को कायम कर किए हुए हैं और हम सभी लोगों को ईश्वर से कामना है कि सभी लोग एकमत होकर के इसको आगे बढ़ाते रहें जिससे हमारी समाज का और हमारे जीवन का, हमारे नौजवानों का उज्ज्वल भविष्य हो और इसके साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस परंपरा को हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत अच्छी व्यवस्था के तहत ये कार्यक्रम चलता है। माटा में ये कार्यक्रम होता है, अगले साल या अन्य जगह मतलब ये कार्यक्रम कैसे मनाया जाएगा? देखिए हम तो ये चाहते हैं कि गांव-गांव में मनाया जाता है और हर गाँव के लोग, लगभग यहाँ पूरे करीब 50 गाँव का लोग आदमी आया होगा। जब दूसरी बांदा जनपद की एक दूसरी विधानसभा नरैनी, वहाँ से भी लोग चल करके यहाँ आए दिवाली नृत्य के लिए। धीरे धीरे इसका और प्रचलन होगा और जानकारी लोगों की होगी कि माटा में दिवाली नृत्य के लिए जो है एक ऐसी व्यवस्था की गई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है जनपद के तमाम जगहों से यहाँ 500 टीमें आई, इस साल 11 टीमें आई हैं, अगले वर्ष हो सकता है ये 25 हो जाए और अगले वर्ष इसको देख करके जो नौजवान होगा वो आगे और बढ़ेगा।